नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 35 सीटों से आगे चल रही है। हरियाणा में तेजी से जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हरियाणा में तेजी से जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी को यहां पर बहुमत मिल चुका है, 49 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इससे पहले करीब एक घंटे में ये जो फेरबदल है वो देखने को मिला है। एक घंटे पहले की अगर हम आंकड़े पर गौर करें तो वहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशियां देखने को मिल रही होंगी, चूंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, 49 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, रुझानों में बीजेपी आगे है, कांग्रेस 35 सीटों से आगे चल रही है। हरियाणा में तेजी से आंकड़े जो है वो बदल भी रहे हैं। तो वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही काउंटिंग जारी है और अभी तक के जो रुझान हमारे पास है उसके हिसाब से एनसी कांग्रेस गठबंधन आगे है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो फिलहाल आगे चल रहा है। एनसी कांग्रेस गठबंधन 51 सीटों से आगे है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 25 सीटों पर आगे है। तो देखिए, यहां पर जो आंकड़ा है बीजेपी और एनसी कांग्रेस गठबंधन के बीच वो काफी ज्यादा है, काफी बड़ा फासला वहां पर नजर आ रहा है। पीडीपी की 5 सीटों पर बढ़त है। बीजेपी और पीडीपी स्वतंत्र तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रही हैं और गठबंधन के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां पर है जो 51 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बीजेपी की बात करें तो 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बिल्कुल, आप देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किसके सिर सजेगा जीत का ताज, हरियाणा की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 34 पर यहां पर है, 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सुनील चौधरी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। चूंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो ये रुझान है वो अब धीरे धीरे आंकड़ों में तब्दील होंगे, रिजल्ट में तब्दील होंगे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने एक तरह से कमबैक किया है, अगर पहले जो शुरुआती रुझान थे आपने उस पर गौर किया होगा तो कांग्रेस काफी आगे चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने अचानक से कमबैक किया, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये दो चीजें हैं यहाँ पर। अभी तो सबसे पहली चीज तो ये है कि केवल ट्रेंड पर बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स नहीं है, इसलिए केवल प्रेडिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि क्या रहा है किस पार्टी के साथ। देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ जो छोटे दल हैं उनका वोट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, पहली चीज। जी, हालांकि जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो 40 point something है और उसके उलट बीजेपी का देखते हैं तो 39 point something है, यानी लगभग 1-1.25% वोट का डिफरेंस वोट शेयर में दोनों में दिख रहा है। हालांकि नंबर ऑफ सीट्स में जो ट्रेंड दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। इसके पीछे मैं
भारतीय जनता पार्टी के संगठन, दूसरा सेंट्रल लीडरशिप की स्ट्रैटेजी चुनाव लड़ने की, इसको मैं कारगर मानते हुए देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है। देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी हम इसलिए भी कह सकते हैं, भले ही अपोजिशन पार्टीज के द्वारा ये चीज उठाई गई हो, लेकिन एन वक्त पर बीजेपी द्वारा सीएम फेस चेंज करना, हालांकि बीजेपी कुछ ऐसे ही कठोर कदम उठाती हो, चाहे वो गुजरात का उदाहरण हो, उत्तराखंड का उदाहरण हो, ये सब उसको बताते हैं कि वो ऐसे परिवर्तन करने में या ऐसे प्रयोग करने में माहिर पॉलिटिकल पार्टी इस समय बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा उठाए गए तीन मुद्दे, पहलवान, किसान और जवान, ये कहीं ना कहीं उतने आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फायदे में दोनों पार्टी दिख रही है। पिछले बार 31 कांग्रेस, बीजेपी 40, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी की सीट्स भी बढ़ रही हैं, कांग्रेस की सीट्स भी बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय दलों की सीट्स घट रही हैं। तो एक चीज यहां स्पष्ट है कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस अगर ये रिजल्ट में ही बदलता है वो एक बड़ा कारण रहा, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कि जहां पर उन्हें दिख रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है तो उनका जो प्रयास है वो सफल होता या कार्यकर्ताओं का प्रयास दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर जम्मू एंड कश्मीर में देखते, देखिए यहाँ के हालात कुछ और हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी दो मुद्दे पर ही चुनाव को लेकर माना जा सकता है भारतीय, एक तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जी, और दूसरा वहां पर जो स्टेटहुड को हटाकर यूनियन टेरिटरीज बनाना। ये भी आपको पता है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, मेजर पॉपुलेशन, वो मुस्लिम्स हैं, हिंदू कम है। ये आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनलिस्ट, जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको मानकर जाने वाले लोग बीजेपी के साथ जाते हैं। अभी कुछ समय से ऐसा समय देखा जा रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम्स का वोट नहीं मिलता है। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, मैं हार तो नहीं मानूंगा क्योंकि 2024 में आपने देखा होगा, 14 में सॉरी, वहां भारतीय जनता पार्टी की 24 सीट थी, अब वो 28 पर जा रही है। यानी कि उनका जो एजेंडा था, यानी कि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि धारा 370 हटाना या यूनियन टेरिटरीज बनाना, ये जो निर्णय है वो असफल नहीं रहा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, शुरू से ही लग रहा था कि स्पष्ट बहुमत में भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जाएगी, लेकिन सेम आइडियोलॉजी यानी सेम माइंडसेट के लोग, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों का जो वोट है वो पोलराइज नहीं हुआ, यानी सॉरी डिवाइड नहीं हुआ या स्प्लिट नहीं हुआ, इसलिए वहां पर एक बड़ी जीत, यानी 47, यानी ये कहें कि मेजोरिटी मार्क को उन्हें छू लिया है, 47 पर जो लीड कर रही है, तो ये दिख रहा है। वहां का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आजादी के बाद से वहां पर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, इसकी कभी सरकार नहीं रही। हालांकि पीडीपी के साथ एक अलायंस में जरूर उनकी सरकार रही, क्योंकि केंद्र में भी एक बार उनके साथ अलायंस था, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां की, क्या वो राष्ट्रीयता, हिंदुत्व या डेवलपमेंट, जो मुख्य मुद्दे हैं, इनकी तरफ गई है या नहीं गई है? क्योंकि ये तो पक्का है कि दो की तरफ तो जा सकती है, पर तीसरे मुद्दे की तरफ तो वो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो यहां पर पुरानी जो परंपरा वहां के वोटर्स की रही है उसकी तरफ उनका रुख जाते दिख रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का यह दावा रहा है कि वहां पर उन्होंने डेवलपमेंट, रोजगार, शांति, सिक्योरिटी और टूरिज्म को पुनः कायम करने की तरफ बड़े प्रयास प्रेसिडेंट रूल्स के दौरान किए हैं। तो ये मुद्दा, उनके नंबर ऑफ सीट्स जो लीड करने में संख्या बड़ी है पिछले चुनाव की अपेक्षा, ये उस पर कहीं ना कहीं प्रूफ करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जनरल ट्रेंड है उस स्टेट का, वो ट्रेंड इन रिजल्ट्स के रुझान, सॉरी इन इलेक्शंस के रुझान में दिख रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और सर यही रुझान अब धीरे धीरे रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे, तब भी आपसे चर्चा करेंगे। लौटते हैं सर आपके पास। सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़े हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्यप्रकाश सिंह जी, जो अभी तक के रुझान है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 10 सालों बाद आप लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि वापसी होगी, क्या वो उम्मीद अभी भी बाकी है? और अगर जो अभी रुझान है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, अगर यही रुझान रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो सर कहां कमी रह गई?
देखिए स्वामी जी, आपने भी बोला ये रुझान है, ये बहुत अभी शुरुआती रुझान है। जी मैं समझता हूँ अभी चार पांच राउंड ही हुए होंगे, कहीं कई जगह 17 राउंड होते हैं, कहीं 15 राउंड 16 राउंड, तो बहुत अभी राउंड बचे हुए हैं और ये शुरुआती रुझान है। इसके देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमने जनता के मुद्दे उठाए, मैं भी कार्यकर्ता के तौर पर हरियाणा गया हूँ, वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया हूँ, तो हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं। जनता देखिए पिछले 10 साल से अगर मैं बात करूं, जैसे आपने खुद ने बताया कि मुख्यमंत्री बदला से क्यों बदला गया बता दें, आपने 2019 का चुनाव खट्टर जी के चेहरे पर लड़ा, उसके बाद आपको हटाना पड़ा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको मालूम था कि खट्टर जी का चेहरा बोल दीजिए सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, जनता भ्रष्टाचार से परेशान थी, किसान वहां पर परेशान था, पहलवान वहां परेशान था, अग्निवीर जो वहां सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब से जो लोग जाते देश की सेवा करने के लिए वो परेशान था, तो तमाम चीजें हैं। इसकी वजह से देखिए हमने जनता के मुद्दे उठाए। अगर आप वही बीजेपी की बात कर लिए, उन्होंने हमेशा नकारात्मक राजनीति बल्कि की है, कांग्रेस के ऊपर इधर उधर की बातें करके कांग्रेस पर आरोप लगाना, ये बातें करना, मतलब मुद्दे से भटकने की बात मैं सीधे तौर पर बोलना चाहूंगा, और हमने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, विकास की बात की, भ्रष्टाचार मुक्त की बात की, हमने ये बात की हमारी सरकार आएगी तो हम आपका विकास करेंगे, किसानों को उनका समर्थन मूल्य देंगे, किसानों को उनका हक दिया जाएगा, वहां के जो गरीब जनता मजदूर जो है उनको वहां पे विस्थापित किया जाएगा ताकि वो बाहर ना जा सके, क्योंकि आपको मालूम हरियाणा पंजाब सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, तो ये हर चीज हमने वहां जनता के मुद्दे उठाए हैं और जिसका असर दिख रहा है और इसका असर दिखेगा। देखिए अभी रुझान है, बहुत ही शुरुआती रुझान है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, ये देखिए 2-3 बजे के आसपास जाके ये स्टेबल होंगे, जब तब समझ में आएगा कि हाँ किसी सरकार पर नहीं। मगर मैं एकदम साफ तौर बोलना चाहूंगा, जनता वहां परेशान है, जनता ने वोट डाला है वो कहीं ना कहीं विकास को वोट डाला है, भ्रष्टाचार मुक्त के लिए वोट डाला है, और जनता ने ये सोचा है कि हमको यहाँ पे जो चीजें हुई है पिछले 10 साल में वो नहीं चाहिए, हमको यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चीजें चाहिए, अपने विकास के लिए चाहिए, रोजगार सबसे महत्व। देखिए युवा जो है वहां पे हरियाणा में कहां पे बेरोजगारी दर 24% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर है, 10 साल आपकी सरकार थी तो वहां पे मिला क्या है 10 साल में ये बता दीजिए आप। तो इसलिए हम बोल रहे हैं हमने सिर्फ जनता के लिए वोट मांगा है। और जम्मू कश्मीर की मैं बात कर लूं, जम्मू कश्मीर जैसे बोला जा रहा है कि भाई आपने एक प्रदेश का कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म कर दिया, वहां के लोगों ने देखा कि आपने हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में बात कर देता हूँ कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी दर 10% से भी ज्यादा है और युवाओं में खासतौर से 8.5% से भी ज्यादा है, और जबकि आपकी 10 साल से केंद्र शासित आपने 374 हटाने वाला चुनाव नहीं हुआ, केंद्र के द्वारा वहां हर चीज चलाई गई, उसके बावजूद भी हालात ऐसे क्यों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर दोनों प्रदेश की बात करूं, दोनों प्रदेश की जनता ये देखती है कि हमको विकास चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है, हमको सिर्फ छला गया है, रोजगार के नाम पर युवाओं को छला गया है, वहां के मजदूरों को छला गया है, किसानों को छला गया है, इसलिए उन्होंने वोट दिया अपने विकास के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव जो हरियाणा का है वो कहने के पलटेगा और उसके नतीजे पलटेंगे और 2-3 महीने के बाद स्टेबल होगा तब समझ में आएगा। ठीक है, वो देखने वाली बात होगी और दोपहर तक चूंकि तस्वीरें थोड़ी बहुत साफ हो जाएंगी। सुनील चौधरी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील चौधरी जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 51 सीटों पर वो आगे चल रहा है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस और उनकी जो गठबंधन पार्टी है वो पार कर चुकी है। इसे किस तरीके से आप देखते हैं और क्या वजह मानते हैं कि जो रुझान हमारे पास है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो आप लोगों को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जम्मू कश्मीर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और धारा 370 को हटाने के पश्चात कांग्रेस और सारे लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे और धारा 370 नहीं हटनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि इसके कारण हमारे लोग हमारे पक्ष में नहीं आए। तो अभी जिन सीटों पर हम लोग जम्मू कश्मीर में आगे चल रहे हैं 25 सीटों पर, तो ये मान करके चलिए कि जनता ने विश्वास तो किया है हमारे कामों पर, लेकिन कुछ क्षेत्र वहां पर ऐसे हैं जिन पर अभी हमारा कैडर भी नहीं है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार भी नहीं बनी जम्मू कश्मीर के अंदर में, और वहां पर अभी धीरे धीरे हमारी पार्टी अपना कैडर खड़ा करेगी, हमारा संगठन खड़ा होगा, हमारे विचार परिवार से सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने काम करके दिखाया, अलगाववादियों को खत्म करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। जिस लाल चौक पर इंडियन डॉग गो बैक लिखा होता था आज वहां तिरंगा झंडा फहरा रहता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। जहां पर 2 प्रकार के झंडे लगते थे आज वहां भारत का तिरंगा शान से लहराता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। तो ये हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र की विजय है और कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारी सरकार माननीय मोदी जी का नेतृत्व, इसकी भी विजय है कि जम्मू कश्मीर के अंदर में
हमारी विचारधारा हमारे लोकतंत्र को लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमारे जनतंत्र को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और आगे जाकर के देखिएगा, आज अगर हम 25 में है तो 50 होते समय नहीं लगता। भाजपा का कार्यकर्ता जब मैदान पर उतरता है तो निश्चित रूप से वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे, ये पूरा विश्वास रखिए। और भाजपा का कार्यकर्ता जरूर इस बात को 100% पूरा करेगा। ठीक है सुनील चौधरी जी। अजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय यादव जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हम बात कर लेते हैं या फिर हम हरियाणा की भी बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद चुनाव हुआ, लोकतंत्र की इसे एक जीत जरूर कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। 25 सीटों पर महज बीजेपी आगे है। हरियाणा में हालांकि आप लोगों के लिए खुशी की खबर जरूर है कि एक तरह से जो कमबैक किया है बीजेपी ने, उसे किस तरीके से देखेंगे? देखिए, हरियाणा में जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस के झूठ, भ्रम और बंटवारे की राजनीति को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और ये परिणाम इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 में जहां भाजपा 40 सीटों पे थी, आज उससे भी बढ़कर 50 सीटों पे पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव में भी 5-5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस और भाजपा के बीच में बटी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने निर्णायक मैंडेट दिया है। ये कांग्रेस के उस झूठ के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है जो कांग्रेस ने फैलाया था, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा हो और चाहे दलितों के मामले हो, सभी मामले में कांग्रेस के झूठ को जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का मत मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बहुत बधाई की बात है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में अगर मैं कहूँ, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात कुछ अलग तरह के हैं। पिछले चुनाव में भी हमारी 25 ही सीटें थी तो हम किसी तरह से जम्मू कश्मीर में हार नहीं रहे, ना हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन वहां जो लोकतंत्र की बहाली करी, धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, जहां दो झंडे और दो विधान चलते थे उन्हें हटाया और शांति बहाली करी, पत्थरबाजी बंद करी, अलगाववाद समाप्त किया, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। 70 सालों में पहली बार SC ST को आरक्षण मिला तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कांग्रेस और उनकी बंटवारे की पार्टियों ने कभी इस तरह की नीति नहीं अपनाई। और साथ ही कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर में भी हार रही है, 45 सीटें लड़के केवल 10 सीटों पर जीत रही है। तो ये तो पूरी तरह कांग्रेस को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह जनता ने नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास जनता का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अभी जिस तरह की मतगणना चल रही है उसमें परिणाम और बेहतर होंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद जो सौदा है वो साबित हुआ, क्योंकि जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो गठबंधन है वो कितना कारगर साबित होगा भविष्य के लिए, ये समझाइएगा। और हरियाणा में जिस तरीके से 10 साल बाद कांग्रेस को वापसी की उम्मीद थी, कहां कमी रह गई कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने में? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में या यूं कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। इनके गठबंधन आजादी के बाद से कई बार रहे और उनको वहां पर सफलता भी मिली है। गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस के साथ रहे, चाहे उस समय की बात करें या फिर आज उनके ना होने के बाद की बात करें, तो ये तो तय है कि वो कहीं ना कहीं वोटर्स को पोलराइज करने में, यानी एक विचारधारा के वोटर्स को पोलराइज करने में सफल हुए हैं। उसके उलट अगर बीजेपी को J&K में देखते हैं तो मैं देखो, बीजेपी का मुख्य मुद्दा नेशनलिज्म जम्मू एंड कश्मीर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा उठाया गया, यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा था और यही कहीं ना कहीं उसकी छवि को नेशनलिज्म की तरफ ले जाने का बड़ा काम जनसंघ के समय से हुआ है। देखिए, वो पार्टी का वहां पर वो कैडर नहीं है जो अन्य प्रांतों में है। मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 27 सीट्स पर आगे बढ़ रही है ट्रेंड में, तो ये उसकी सफलता है, यानी कि उसका जो एजेंडा था
यानी धारा 370 को हटाना, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। या तो 24 से वो नीचे गिरती तो मैं ये मान के चलता कि उसके अगेंस्ट वोट गया, यानी वोट शेयर उसका यानी नंबर ऑफ सीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर आप कहते हैं कि हरियाणा में आकर कांग्रेस ने ऐसा क्या नहीं कर पाई जो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई, जबकि जो पोल प्रेडिक्टर्स थे उनका ये मानना था, इवन बीजेपी इस चीज को अंदर अंदर स्वीकार कर रही थी। मैंने कई बड़े हाई लेवल लीडर्स से बात की कि वहां पर बीजेपी को बहुत टफ जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले टर्न पर बताया, मैं अभी बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो चुनाव को लड़ने की जो रणनीति है उस पर सबसे बेहतर रिसर्च करता है, और जब वो संकट में होता है तो उनका संगठन और ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। ये तो तय है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में थी, लेकिन उनके जबरदस्त प्रयास, जिन प्रयासों के कारण, यानी संगठन का मैं मुख्य रूप से कहूं, वहां प्रो इनकम्बेंसी तो नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल लीडरशिप के प्रयास ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाया। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए कांग्रेस में एक बड़ी समस्या है कि चुनाव अपनी दम पर नहीं, अपनी अपोजिशन पार्टी की स्थिति क्या है उसका आकलन करते हैं। अगर ये देखें कि चुनाव हमको अपने खुद के मुद्दों पर आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उस पर हमको चुनाव मिल जाएगा या हमको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल सर, और जाहिर तौर पर यहाँ पर अगर ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं हरियाणा के, तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। यहाँ पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए धन्यवाद करना पड़ रहा है। आगे भी तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, और जो रुझान है वो अब धीरे धीरे चूंकि नतीजे में तब्दील हो रहे हैं उस पर भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल